अखां दे विच रड़के इस गल तो के तू बेगानी हो गई है, मैं जानू हां इस गल तो के तू बेगानी हो गई है। तोरा दे गई जवाब तोड़ के। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप देख रहे हो ऋषभ चौधरी ब्लॉग्स की एक और नई वीडियो, और हमारे पीछे जैसा देख रहे हो भाई, गाड़ी फिर से हमारे पास रियांश कार डेकोर पे तुम्हारा भाई खड़ा आ चुके हैं भाई। बिल्कुल बेस मॉडल स्कॉर्पियो है। अब यार आप बोल रहे हो बेस मॉडल बोल रहे हो, तो भाई बेस मॉडल आई थी, लेकिन अब रात के अगर टाइम बताऊं तो भाई 10 बज चुके हैं और हमने इसको बना दिया पूरा टॉप मॉडल। सो कैसे कैसे काम किया, क्या क्या किया, वो बताएंगे अपने रोहित भाई, और मिलवाते हैं रोहित भाई से और दिखाते हैं हमने क्या क्या काम किया है। भाई लोग जैसा देख रहे हो, आज की वीडियो हमारे साथ रहने वाले हैं फिर से एक बार रियांश वाले रोहित भाई। राम राम भाई, कैसे हो आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो रोहित भाई, जैसा हमारे पास मैंने स्टार्ट करते बताया भाई, गाड़ी अपने पास बल्लभगढ़ से आई है, सारे भाई हमारे साथ ही खड़े। सारे भाई ठीक हो? बहुत आ रही है गाड़ी में काम, बढ़िया। जोर से बोलो, जोर से, परफेक्ट। ये चाहिए। तो भाई ऐसे ही हंसाते रहो, ऐसे ही हंसते रहो, ऐसे ही काम खुश दिल से करते रहो। तो भाई फ्रंट से बात करते हो भाई, क्या क्या काम किया? फ्रंट से आते हैं हम, जैसा कि आप Z2 मॉडल लेते हो, Z2 मॉडल में आपने देखा होगा कंपनी आपको फॉग लाइट लगा के नहीं देती, ग्रिल का क्रोम लगा के नहीं देती, हेडलाइट के अंदर LED या हेडलाइट चेंज करके नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती। Z2 में कुछ भी नहीं, इसको हमने डायरेक्ट बना दिया। कैसे बना दिया आप पूछोगे, तो हमने लगा दी फॉग लाइट, वही महिंद्रा के जेन्युइन। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्राइस की बात करें तो प्राइस तो भैया पूछो ही मत, इसका प्राइस क्या पूछना भैया, प्राइस की बात ना करो, बेइज्जती होती है। बिल्कुल भाई, जैसा पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था, पूरे बेस्ट टू टॉप मॉडल पे फॉग लाइट फ्री। जिसको हम पहले कितने के लगाते थे? हम लगाते थे वैसे पहले 12-14 हज़ार के, फिर 8 पे आए, फिर 7 पे ऐसे आ गए, लेकिन मार्केट में अभी 7-8 का रेट है इसका, हमने कर दिया कस्टमर फ्री ऑफ कॉस्ट, रेट की कोई बात नहीं। बहुत शानदार भाई, बाइक की दुकान देख सकते हो भाई, पूरा MGB का वाल पूरा देख सकते हो भाई, प्रॉपर आपको मिलेगा दुकान पे, भैया भी आपको बैठने के लिए मिल जाएंगे। बिल्कुल डील यही करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल डील आपके साथ भैया करेंगे, सही हो भैया? बहुत बढ़िया। सो भाई फ्रंट से हमने भाई और क्या क्या काम किया इसमें? उसके बाद हमने फॉग लाइट के बाद टॉप मॉडल के, तो पहले फॉग लाइट लगा दी, इससे गाड़ी की लुक पूरी चेंज हो जाती है। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद हमने लगा दी नीचे स्किड प्लेट, जो कि बिल्कुल ग्लोसी पेंट वाला, मैं हर बार ही दिखाता हूँ, इसमें चमक आपको अलग दिखेगी, वो स्प्रे पेंट होता है, वो उसमें आपको क्वालिटी ऐसे दूर से पता लग जाएगी, बाद में वो खराब हो जाती है, खराब हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं ग्रिल के क्रोम पे, ठीक है जी, 7 पीस का स्लॉट होता है, ये पूरा आपको मैट में प्लेन आता है, इसमें हमने लगा दी 7 पीस के स्लॉट, वो भी 2500 रुपए में। तो भाई ये देख सकते हो, ये आपकी पहले वाली रिमूव हो जाएगी, डायरेक्ट लग जाएगी और प्रॉपर MGB रहेगा, MGB रहेगा, महिंद्रा जेन्युइन पार्ट। उसके बाद आपका ग्रिल पियानो भी करा सकते हो, अगर आपको ऑप्शन रखना है कि ग्रिल मुझे पियानो कराना, तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद आते हैं हेडलाइट पे, ठीक है, अगर हेडलाइट आपको चेंज करवानी है जेरेटल वाली, तो आपको पड़ेगी दोनों की दोनों हेडलाइट 22,000 रुपए की, ठीक है। अगर इसमें LED लगवानी है, तो अपने स्टार्टिंग है 3500 से लेके 4500, 5500, 5600 एक पेयर का, बिल्कुल दो पेयर आपके लगते हैं तो 14-13 हज़ार के अंदर बेस्ट, बिल्कुल 300 वाट तक LED आपको लग जाए। बिल्कुल। तो भाई मैं आपको बोलना चाहूंगा एक बार भाई लाइट भी जला के दिखा दो, फॉग लाइट भी दिखा देते हैं। भैया बिल्कुल चेक करो। तो भाई आपको दिखाते हैं फॉग लाइट का रिस्पॉन्स कैसा रहने वाला है, ये देखो। तो भाई ये है फॉग लाइट, और भाई ऊपर वाली भी जला दो एक बार, हेडलाइट दिखाते हैं। तो ये आ गई फॉग लाइट, ये लो बीम है, ये हाई बीम है। भाई मैं आज भी ये बोलता हूँ, जितना क्लासिक और एन में ना ये सारी लाइट लगने के बाद रोशनी आती है ना भाई, किसी गाड़ी में नहीं आती है ना। ये दो पेयर लग रहा है, ऊंची गाड़ी है, इसमें रोशनी है किसमें आएगी भाई, वही बात है। अपना फॉग लाइट कैप्चर कर लेती है, बिल्कुल। आप देखो ना, आपका डबल लेंस लग गया, अब आप लोग देख सकते हो भाई, ये देखो। तो भाई ये होगी अपनी फ्रंट से बात, भाई साइड की प्रोफाइल से बात, साइड प्रोफाइल से आ जाओ अलॉय व्हील पे, ठीक है। तो जो भैया आना है रियांश कार पे, तो लगवाना है 48,000 का 18 इंच, 38,000 का 17 इंच, क्या बात है, बेस्ट टू टॉप कराना। हाँ जी, बेस्ट मॉडल मत रखो, बेस्ट टू टॉप कराओ, 48,000 में 18 इंच, ब्रांड न्यू सील डब्बा खोल के दिखाऊंगा सामने में, क्या बात, और 38,000 का 17 इंच। तो भाई आज 17 इंच लगाया, ये 18 इंच है, ये 18 है। हाँ जी। तो भाई मैं जब भी कह रहा था ना, थोड़ा ना 18 में ना जो ये वाले टायर है ना, अच्छा सा लुक देता है ना, बिल्कुल 80 टायर का लुक थोड़ा अलग होता है, चलने में भी आपको कहीं भी ऑल ट्रेन होता है, हर जगह चल जाते हैं, ठीक है। तो भाई ये अगर बात करूँ तो अलॉय के रेट बता दी, टायर के साथ क्या पड़ जाएगा? ये टायर की कॉस्टिंग देखो, आपके टायर के ऊपर टायर कितनी चली हुई है, 1000 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर, तो उसके हिसाब से टायर वाले आपको हैंड वैंड, क्योंकि टायर के रेट घटते बढ़ते रहते हैं, बाकी 6-7 हज़ार के अंदर आपका हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। तो भाई अब बात कर लेते हैं, भाई बात कर लेते हैं, हो गया ऑटो फोल्ड। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये चाबी हमने दूसरी लगा रखी है, जो विदाउट आपकी फ्लिप की वाली है, ये अपनी फ्लिप की वाली चाबी, ये रही। अच्छा, तो इससे मैं आपको लॉक करके दिखाता हूँ, ये देखिए हो गया ऑटो फोल्ड। तो भाई ये देख सकते हो भाई, अगर भाई मुझे इसका हॉर्न के साथ कनेक्शन कराना है, नहीं हम कंपनी की वायरिंग नहीं छेड़ते, क्योंकि इससे ना कंपनी की वारंटी अवॉइड हो जाती है, तो अच्छा, वो हम अच्छा। काम नहीं करते, कि वो हम उसके लिए प्रेफर भी नहीं करेंगे। चलो भाई, कंपनी की वायरिंग आप मत छिड़वाओ। तो भाई आज की वीडियो का ज्ञान आप लोगों को दे देता हूँ भाई, अगर आप हॉर्न लगवाते हो अपनी सेंटर लॉकिंग से, तो भाई वारंटी अवॉइड हो जाएगी, बिल्कुल कंपनी की वायर हटके ही लगेगी, तो कंपनी की वायर हटते आपका कंपनी वारंटी अवॉइड कर देती है, ठीक है भाई। साइड में रेट आपको रहने वाला है, पूरी गाड़ी का काम आप कराते हो, बेस्ट टॉप जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, Z2 मॉडल नहीं रहेगी, Z8L बन के जाएगी, ठीक है। साइड में मिलेंगे 10,000 रुपए, दस हज़ार रुपए हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है।
उसके आ जाओ साइड विंडो गार्निश पे। हाँ जी हाँ जी, रिप्लेसमेंट पार्ट जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ वो आपको पता है 3800 का, और ये हमने इसमें लगाई है आफ्टर मार्केट। तो मैंने अपने डिमांड पर नहीं, इसमें पहचान बताता हूँ, ये देखो आफ्टर मार्केट लगी हुई, तो ये आपको यहाँ से दिख रही है। अच्छा अच्छा, ये जो आप पेज देखते हो ना, ये पूरा पार्ट निकलता है, ये आपका उसके अंदर इनबिल्ड होता है, ये पहचान आपको बता दूँ। तो भाई ये सस्ती पड़ती है वो सस्ती पड़ती है, ये सस्ती पड़ती है, बट ये है कि कस्टमर के डिमांड के ऊपर वो क्या करवाता है, जैसा आप बोलोगे काम सारा हो जाएगा। अच्छा, अपनी तरफ से हम मना ही करते हैं, लेकिन अगर आपकी डिमांड है आपका बजट नहीं, तो हम वही मना जबरदस्ती तो कर सकते, आप बैटर वही लगवाओ। बाकी वो आपका 3800 का चारों पड़ता है, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है, महिंद्रा जेन्युइन रहेगा, बिल्कुल पार्ट नंबर के साथ रहता है, कोई लोकल पार्ट नहीं रहता, बहुत बढ़िया। उसके बाद आते हैं हम साइड के आउटर हैंडल पे, ठीक है, इसकी कॉस्टिंग अपनी होती है 2000 से 2200 के अंदर, और जो आपने रिक्वेस्ट सेंसर वाला आप लगवाते हो उसकी कॉस्टिंग पड़ती है आपको 4500 रुपए। पहले ये हमारी 5500 रुपए की थी, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह 5500 का रेट है, हमने कर दिया 4500 रुपए, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम साइड के क्लाइडिंग पे चारों, जो साइड जो लोग बीडिंग लगवाते हैं तो इसमें बीडिंग नहीं लगती, साइड की अपनी गार्निश लग रही है, ठीक है जी, जो कि अपना महिंद्रा लगा के देती है उसी को हम पेंट करा के देते हैं, जो कि आगे आपने स्किट प्लेट देखा सेम ग्लोसी पेंट, ये भी होता है, ये भी होता इसकी कॉस्टिंग रहने वाली है 4800 चारों दरवाजे की, चारों दरवाजे। तो भाई ये हमारी वाली ले लोगे आप, फिर आपकी वाली कोई पेंट करा के देंगे, और हमारे पास ऑलरेडी रेडी होगा तो आप अपना लगा देंगे, और ये तो वो भी जेन्युइन ही रहेगी ना, जेन्युइन, ठीक है। इस गाड़ी में से निकला किसी और में लगा है, किसी और से निकला, ओके, ये रिप्लेसमेंट का काम चलता है भाई। उसके बाद साइड के फुटरेस्ट पे, हाँ जी, ये महिंद्रा के जेन्युइन हो गए टॉप मॉडल वाले ZL वाले, तो ये हमने ही लगाए, ये हमने ही लगाए, ये Z2 मॉडल में कंपनी कहां लगा के दे रही है, एक बार खड़े होकर गाड़ी यहीं आ रही है, तो खड़े होकर दिखाओगे, ये लो जी, लो भाई खड़े होकर दिखवा देते आप लोगों को, ये लो, ठीक है भाई। अब दो बंदे और खड़े हो जाओ तो भी नहीं हिलने की गाड़ी, बहुत बढ़िया। उसके बाद है रूफ रेल पे, हाँ जी, आज हमने पेस्टिंग वाली लगाई है जो कि सिलिकॉन से लगती है, ड्रिल नहीं करवाना था इसलिए हमने वही लगाई है, ठीक है, वो भी आप करवा सकते हो, दोनों ही ऑप्शन अपने आप। जेन्युइन वाला अगर आप लेते हो उसकी कॉस्टिंग है 5000 रुपए, हाँ जी, और आफ्टर मार्केट लेते हो उसकी कॉस्टिंग आपको सेंड वेंड बता दी जाएगी, अलग अलग कंपनियों के हिसाब से होती है, क्योंकि आफ्टर मार्केट 3-4 कंपनी आ गई है, जो बेटर ऑप्शन होता है उसके हिसाब से बता देंगे। भाई मेरे को लग रहा है कि जितना काम महिंद्रा इसमें होता है स्कॉर्पियो में, इतना किसी गाड़ी में नहीं है, क्लासिक में जितना काम होता है उतना किसी में होता है, कि कम से कम 100 आइटम होते हैं इसमें, और ऐसी थार में भी होता है, थार में भी होता है, हाँ जी हाँ जी। उसके अलावा जो साइड मॉडल से ऐसा कुछ लुक रहने वाला अपना, दोनों वाले भी लगा दिए। उसके पीछे लगा दिया हमने स्पॉइलर, ठीक है, आप दिखा सकते हो जेन्युइन वाले। तो भाई ये देख सकते हो पीछे स्पॉइलर लग गया, स्पॉइलर का लुक आप लोगों के सामने है, काफी अच्छा लुक जो है यहाँ पे निकल के आ रहा है। और इसमें सबसे मेन हमने लगा दिया, जो कि हमने कस्टमर को लास्ट वीडियो में बोला था, और इसमें लगा के दिखा दे डमी वाइपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये लो भाई डमी वाइपर भी आपका स्कोर पे, बेस टू टॉप कराओ, डमी वाइपर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई ये डीलर करते हो इसमें पहले ही आता है, डील करके, नहीं डील करके लगा दिया, ठीक है ठीक है। और भाई अगर यही वर्किंग कराना नहीं कोई कुछ नहीं, ये देखो ठीक है प्रॉपर, भाई यही वर्किंग कराना हो 8500 रुपए, 8500 रुपए, ओके। ये सारे रेट जो मैं बोल रहा हूँ पर्चा, आप जैसे कहते ना डायलॉग नहीं है, आप पर्चा बना लो घर पे, हाँ जी, सारे रेट लिस्ट लिख लो, यहाँ आके ये पटक दो, और बाकी जो और भी रेट आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ आपकी एक्स्ट्रा डिमांड होगी वो भी होगी, बाकी रेट आप सारे घर पे बना लो, यहाँ आके काम करा लो, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं कि भैया यहाँ आने के बाद रेट बदल गया, ऐसा हो गया, वैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, सेम रहने वाला, बिल्कुल। तो भाई ये होगी सारी बाहर से मॉडिफिकेशन, अब भाई अंदर अंदर की तरफ दिखाते हैं क्या क्या इसमें, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं गाड़ी के इंटीरियर प्रोफाइल की तरफ, और भाई देखो यार कितने चैन से बैठे हो आज, है गाड़ी बढ़िया तरीके से रेडी कर दी है भैया। वो पहले जो होता था ना रात के 2-2.5 बजे वाला सिस्टम अब खत्म हो गया, अब गाड़ी हमारी 8-9 बजे तक लेटेस्ट, लेट भी आती है तो भी कंप्लीट हो जाती है, बिल्कुल भाई। अभी देख सकते हो भाई 10-12 हो रहे हैं, गाड़ी यहाँ पे कंप्लीट है। तो भाई फटाफट से बात करते हैं बिना किस देरी के अंदर। सबसे पहले तो आप आ जाओ गाड़ी में घुसते, आप देखते हो स्टीयरिंग, ठीक है, स्टीयरिंग पे हमने OEM वाला बिल्कुल आप देख रहे हो स्टिचिंग करके स्टीयरिंग रैप कर दिया है, जो बिल्कुल टॉप मॉडल का लुक दे रही है। ऊपर से हमने लगा दिया इसमें XUV700 के स्टीयरिंग कंट्रोल पियानो वाले वर्किंग, ठीक है, और उधर हमने कर दिया क्रूज, तो एक्टिव नहीं होता, MID हमने एक्टिव कर दिया इसमें, ठीक है। तो भाई आपके MID के सारे कंट्रोल जो है देख सकते हो सब चल रहा है इसमें, जी भाई। उसके बाद हम आ जाते हैं मीटर का फ्रेम, हमने देखो इसमें पियानो कर दिया है, जो कि आपको टॉप मॉडल से भी आपका लुक देता है, क्योंकि इसमें आपको पियानो नहीं मिलता, ये देख सकते हो भाई, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे, तो इनर हैंडल हमने लगा दिया, ग्रैब हैंडल लगा दिया, और स्विच प्लेट भी हमने पियानो कर दिया, और जो स्विच मैंने बोला था साइड में रखा उसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है, उसके पैसे आपको अलग से नहीं देने पड़ते, बिल्कुल भाई प्रॉपर्ली हर चीज आपको, अगर कोई आपको उसकी कॉस्टिंग करता है आप उसको कॉस्टिंग मत दो, ठीक, वीडियो दिखा दो भैया ये तो फ्री में दे रहा हूँ और हम लेके आएंगे, और बताओ, ठीक है, करा के जाओ, बिल्कुल। उसके आते हैं एंड्रॉइड का फ्रेम जो आप देख रहे हो Z2 में आपको मैट में आता है, हमने पियानो कर दिया, बाकी अगर Z2 वाले भाइयों के लिए एंड्रॉइड चेंज कराना है तो उसका भी ऑप्शन है अपने पास, 18,000, 22,000, 24,000 हर रेंज के अलग अलग एंड्रॉइड है, जो आपका बजट हो वैसा लगवा सकते हो, ठीक। बाकी अगर OEM नहीं चाहिए नॉर्मल चाहिए तो अपना 6-7,000 के अंदर एंड्रॉइड स्टार्टिंग हो जाती है, हो जाती है। उसके बाद आते हैं हम सीट कवर से, जो सबसे मोस्ट डिमांडेबल होती है सीट कवर, जी। तो हमने सीट कवर लगा दी इसमें टॉप मॉडल वाले, ठीक है, जो कि अपनी फॉर्मिंग वाले रहने वाले, इसकी कॉस्टिंग अपनी रहती है 12,000 से लेके 18,000 तक, ठीक है जी जी। ये सारा प्राइस ओपन करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आ जाए नीचे फ्लोरिंग मैट, हाँ जी, हमने वो भी लगा दिया इसमें, तो भाई देख सकते हो भाई यहाँ पे प्रॉपर फ्लोरिंग और उसके ऊपर मैट यहाँ पे लगाया है, हाँ जी 70 मैट इसमें हमने लगा दिया है, जैसे कि आप गाड़ी गंदी वंदी होती है कीचड़ का टाइम आ गया, आप निकाल के रिमूव करके साफ कर दिया तो काफी मतलब आपको आसानी हो जाती है काम में, ठीक है। उसके अलावा इसमें 2-3 काम और होते हैं, डैम्पिंग हो गई,
क्योंकि हमने इसमें डैम्पिंग करते ही साउंड प्रूफ गाड़ी अंदर आपको आवाज ज्यादा नहीं आ रही नहीं आ रही भाई, तो डैम्पिंग हमने इसमें कर दिया। अब आजकल क्या हो रहा है कि जो काम होते हैं वो हम वीडियो इसलिए नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि हमारे ऋषभ भाई आते हैं गाजियाबाद से बहुत दूर से, शाम के टाइम आते हैं इसलिए हम दिखा नहीं पाते, वो भी आपको दिखा देंगे। ठीक है जी। उसके इसमें आती है एम्बिएंट लाइट जो कि हमने इसमें नहीं करी, एक एम्बिएंट लाइट आप इसमें करवा सकते हो जिसकी कॉस्टिंग आपकी 4500-5500-6500 अलग अलग रेंज के अलग अलग होते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे कुछ रहने वाला और एक दो आइटम जो मिसिंग है इसमें वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाए। बिल्कुल भाई, सीट कवर की फिटिंग देख सकते हो भाई, सब कुछ देख सकते हो, यहाँ पर इंटीरियर एक बार फिर से देख सकते हो। तो भाई अब मैं बात करता हूँ पूरी फटाफट से बैक टू लेके फ्रंट तक कॉस्टिंग की, भाई जल्दी जल्दी बताते हैं। हमारे यहाँ कॉस्टिंग ज्यादा नहीं आती, हमारे यहाँ कॉस्टिंग वही आती 1,40,000। 1,40,000 सारा कुछ, पहले 1,80 की बजट लगाई थी, अब लगा दी 1,40 की। ठीक है, इससे कम क्या ही करे आप ही बताओ भाई, बहुत सही रेट में हो गया यार ये काम। मतलब 1,40,000 रुपए में इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर काम कर दे, तो भाई इसके लिए तुम्हें कहाना है रियांस कार डेकोरेशन करोल बाग। करोल बाग देख सकते हो भाई, प्रॉपरली आपको आना है अपनी शॉप पर जहाँ पर आपको मिलेंगे ऑलवेज रोहित भाई और एक अपने रोहित भाई के जो है साथ वाले पार्टनर मिल जाएंगे, राम जी मिलेंगे यहाँ पे, डील करेंगे आपसे अगर कभी ना मिलू तो। बाकी जो लोगों की कंफ्यूजन है तो मैं आज बता दूं, दोबारा से क्लियर कर रहा हूं कि जो भाई बेस टू टॉप कराएंगे, जैसे कि हमारे पास भाई आते हैं बेस टू टॉप कराते हैं दूर से पास से जहां से भी आते हैं, बेस टू टॉप कराने वाले भाइयों के लिए जो मैंने फॉग लाइट का आपको बोला था, फॉग लाइट आपको बिल्कुल रहने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ठीक बट बेस टू टॉप बेस मॉडल मत रखो भैया, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक यांस कार है बेस टू टॉप कराओ, फॉग लाइट फ्री लेके जाओ, बाकी जो सारे रेट दिए हैं रेट भी उसी रेट में सामान लेके जाओ और एक एक चीज का पार्ट नंबर चेक करके लेके, चेक करके ले कोई लोकल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आपने यहाँ पे सारा काम कर देख लिया, भाई अपने जो बाहर गाड़ी के ओनर खड़े एक बार उनसे मिलवाते हैं और दिखाते भाई उन लोगों को हमारा कैसा काम मिले, चले उनके पास। बिल्कुल चलो। बिल्कुल जी, जैसा देख रहे हो भाई इस वक्त हमारे गाड़ी के जो तीनों चारों भाई और एक भाई अंदर रह गए, देखो वो रे। तो भाई सारे गाड़ी के ओनर है भाई, सबसे पहले तो ये बताओ कहाँ से आए हो आप भाई? फरीदाबाद से। तो भाई थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा ये माइक ना ऐसे सीधा पकड़ के बस इसमें बोलना सारे भाई हो। जी भाई, बोलोगे तो भाई सबसे पहले बताओ आप लोग कहाँ से आए हो? फरीदाबाद। फरीदाबाद से आए हो, तो भाई कैसे पता लगे कि भाई यहाँ तक आना है काम कराना है? हमने हमारे एक मामा है। हाँ जी मामा। हाँ जी। उन्होंने बताई, तो उनके दोस्त की दुकान है, हमने तीन गाड़ी तो करवा ली है, तीसरी है। चलो जी, एक नंबर का काम करते हैं, एक नंबर का काम करते हैं, ओनर भी बढ़िया, ओनर दिखा दो भाई। तो भाई ये रहे, पता क्या होता है भाई? बिल्कुल, मतलब सबसे पहले भी ये होता है कि मतलब भाई बंदा होना चाहिए, इतना प्यारा सब, जब से आए पानी कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है फुल, बहुत बढ़िया भाई, खाना पीना सब। अभी दो तीन बाद हमारी गाड़ी आ रही है। दस में से काम में कितने नंबर दो? 11 मान लो। क्या बात है भाई, आप लोगों ने दिल खुश कर दिया सारे भाई, एक बार ताली मार दो भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा। बंदे वहाँ पे ना काम अच्छा होता है, काम अच्छा होता है, इसलिए मैं अब दोबारा आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रोहित भाई ने चौथी भी इसलिए आ रही है। बिल्कुल, तो भाई आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे बल्लभगढ़ वाले भाइयों को फुल सपोर्ट। और भाई एक ही बात होगी, फरीदाबाद बल्लभगढ़ ओरे धोरे हो गए सारे भाई। बिल्कुल, तो भाई सारे भाइयों को फुल सपोर्ट, और भाई हमें भी बोलना ठाकुर भाइयों को फुल सपोर्टर, भाई हमें भी फुल सपोर्ट कर देना, भाइयों को जाके बोलना ऋषभ चौधरी ब्लॉग्स सब्सक्राइब करवाना। तो भाई एंड करने से पहले एक चीज रह गई थी, भाई का भी चैनल, मेरा भी ब्लॉग चैनल है, और भाई रोहित 7071 व्लॉग्स। तो भाई रोहित 7071 व्लॉग, मुझे लग रहा है आपकी गाड़ी का नंबर है 7071 भाई, यही होता, मैंने पहले सोचा था कि मैं भी ऐसे कोई गाड़ी के नंबर अपना वो रख लो। तो भाई थैंक यू सो मच, आपसे भी अच्छा लगा, वंस अगेन आप लोगों को भी थैंक यू सो मच, और भाई को भी कर लेना फुल सपोर्ट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।